नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबुराम, सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। इस वीडियो में हम हिंदी की कहानी की विकास यात्रा, उसमें प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ और प्रेमचंद युग की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हिंदी की जो प्रारंभिक कहानी है, जिसको प्रथम कहानी माना जाता है, इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल नामक कहानी का प्रकाशन 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जो महत्वपूर्ण कहानी है, उसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। बंग महिला, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, इनकी तुलाई वाली कहानी, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार यह हिंदी की आरंभिक महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसके साथ ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, यह भी प्रारंभिक महत्वपूर्ण कहानियां हैं। यह फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है और उन्हीं को आधार मान करके प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानियाँ, जो आरंभिक कहानियाँ हैं, 1900 से 1915-16 तक की कहानियाँ, और 1916 से 1936 तक का जो युग है प्रेमचंद, इस युग में मुंशी प्रेमचंद सशक्त हस्ताक्षर हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो उनके मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं। उनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, आत्माराम, शतरंज की खिलाड़ी, अलग्योजा, नमक का दरोगा, ईदगाह, फूस की रात, सुजान भगत, कफन आदि उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद युग के ही अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रथम कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य कहानियों में पुरस्कार छोटा जादूगर, मधुआ, शालवती आदि उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद युग के ही एक अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनके संग्रहों में कल्प मंदिर, चित्रशाला आदि प्रमुख हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने भी कहानी संग्रह लिखे, जिसमें रजकर्ण, अक्षत आदि महत्वपूर्ण हैं। चतुरसेन शास्त्री ने अपनी कहानियों में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा भी महत्वपूर्ण हैं। सुदर्शन की कहानियों में जो संग्रह है, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, गल्प मंजरी, पनघट आदि महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रारंभिक कहानियों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।